ठीक, उसके पीछे का रीजन है, आपको समझ में भी आएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब फोकस होके देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, फोकस होके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी। देखो बच्चों, बोला क्या, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप बिटवीन द टू प्लेट, जैसा कि दिख रहा है, ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रॉन एंटर द फील्ड, पूरी चीजें बताया है, बिटवीन द प्लेट विथ वेलोसिटी वी नॉट, ये कितनी वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, वी नॉट से, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एल, यहां से यहां तक की दूरी कितनी एल है, जो कि हमारी एक्स के तरीके काम करेगी, ठीक। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ये बताना है कि ये अपने मेन पाथ से कितना डेविएट कर गया, यही आपको बताना है। तो अब इसके लिए क्या करें बच्चों, तो ये देखिए, ये ऊपर की ओर गया होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी से, और ये इधर गया होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, सीधी सी बात है। अब ये चार्ज पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है, तो इसके पास दोनों तरीके की वेलोसिटी होगी, वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। अब देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम देखें यहां से, अगर हम टेन थीटा लगा दें, तो टेन थीटा क्या होगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए बदलेगी तो परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वो तो यू ही रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अब देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, ठीक। अब हम किसी तरीके यू वाई ला ले, सॉरी वी वाई ला ले, क्या ला ले, वी वाई ला ले, और मेरा काम हो जाएगा। अब वी वाई कैसे लाएंगे बच्चों, अब देखिए कैसे लाएंगे, ध्यान से देखेंगे, फोकस होके। अब देखिए v इज इक्वल टू कितना होता है, u प्लस at, लिख दिया आपने, सारी चीजें y रख दो, ठीक। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, जब यहां पे आप थ्रो कर रहे हैं तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं है, इसलिए 0 की। एक्सेलरेशन कितना होता है, qe बाई m होता है। t कैसे निकालेंगे, t होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना चला वो l, और वेलोसिटी कितनी चली v नॉट, कितनी वेलोसिटी से चला v नॉट, तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल वेलोसिटी, क्या आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी, और इसी वर्टिकल वेलोसिटी को आप यहां पे रख दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट, और नीचे वी नॉट मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट ही है, तो आप रख सकते हो, ये नीचे चला आएगा, तो बनेगा क्या, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बच्चों tan थीटा, आप tan को उधर कर लो, टैन को उधर कर लो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से, कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कितनी आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं।